मुझे बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर एक बार एग्जाम देने के बाद अगर ग्रुप क्लियर ना हो तो दोबारा कैसे पढ़े, ये बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं लगती कि कैसे स्टार्ट करें, मन नहीं करता दोबारा उन्हीं बुक्स से उन्हीं सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ना, उन्हीं चीजों को दोबारा बार बार देखना, वही सब कुछ ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, लगता है कि ये तो याद है ये तो आता है लेकिन पता नहीं एग्जाम में जाके क्यों नहीं पास हुए, कि हमारा एग्रीगेट नहीं बन पाया, हमारा एक सब्जेक्ट रह गया, बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन आ जाती है। तो देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हमें अटेम्प्ट को दोबारा देना पड़ता है वो ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कैसे लाएं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूं और उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनकर प्रॉपरली समझकर नोट करके रखना और इस वे को फॉलो करके देखना, आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी इससे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं। अब मान लीजिए जब हमारा रिजल्ट आया तो फॉर एग्जांपल टोटल जो मार्क्स थे टोटल जैसे 400 मान लीजिए कि आपका पूरा ग्रुप 400 मार्क्स का है, मान लीजिए जो हमारे मार्क्स आए हमने अचीव किए 180, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने 180 अचीव किए, तो 180 अचीव होने पर हमारा रिजल्ट फेल आ गया, हम पास नहीं हुए। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऐसे प्लान करते हैं कि हमारे 180 मार्क्स आए, हमें पास होने के लिए चाहिए थे 200, और हमें लगता है कि 20 मार्क्स की कमी रह गई, 20 मार्क्स हमारे कम आए, अब हमें अगली बार 20 मार्क्स और लेकर आने हैं। लेकिन जब हम बुक्स को उठाते हैं लगता है फिर वही चीजें पढ़ें, कैसे 20 मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, हम दोबारा फिर से हिम्मत करके मेहनत लगानी शुरू कर देते हैं, दोबारा फिर से सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर देते हैं और पूरी मेहनत लगाकर जितना भी हमारे पास नियर अबाउट 3 मंथ्स का टाइम अवेलेबल होता है आफ्टर रिजल्ट, दोबारा फिर से मेहनत लगा के दोबारा फिर एग्जाम को देते हैं और कई बार फिर रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे मार्क्स अगर इंप्रूव होते भी हैं तो कई बार क्या होता है कि सपोज हमारे 200 तक पहुंचने की बजाय 195, 197 यहां तक पहुंच पाए, या कई बार 180 से नीचे भी चले जाते हैं कि 173 एटसेट्रा कुछ ऐसे आ गए। तो हमने यहां पे गलती क्या की, हमने 20 मार्क्स के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत लगानी शुरू कर दी। देखिए अगर हम इसी चीज को एक दूसरे वे से प्लान करें तो आपको लगेगा कि वाकई एक तो हमें टॉपिक्स नहीं लगेंगे और एक हमारा जो मन है वो ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई में लगेगा। हमें क्या करना चाहिए, देखिए कि अगर 400 टोटल मार्क्स से हमने 180 गेन किए तो इसका मतलब कि 400 में से 180 तो हमें आ गए, अभी 220 मार्क्स और भी हैं। अगर हम 220 मार्क्स और लेते तो हमारे 400 पूरे आते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पूरे 400 आएंगे या आप पूरे 400 के लिए मेहनत करो, लेकिन मैं तो जस्ट एक आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर टोटल 400 मार्क्स के लिए एग्जाम हो रहे हैं हमारे, तो अगर हमने 180 अचीव किए तो बीच में 220 मार्क्स ऐसे हैं जो हमने नहीं अचीव किए। ये जो 220 मार्क्स हैं इसका मतलब इसके भी कोई ना कोई टॉपिक है, इसके भी बीच में कोई ना कोई क्वेश्चंस हैं, इसकी भी थ्योरीज हैं, शायद हमने इनकी तरफ इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। अगर हम कोशिश करें कि
कि ये 220 मार्क्स का ऐसा क्या है जो एग्जाम में तो आ रहा है लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिल रहे। अगर हम ये सर्च करें थोड़ा सा टाइम लगाकर, ज्यादा ना सही, हम पर सब्जेक्ट कम से कम 2 दिन भी रख लें कि हमने 2 दिन में पहले ये फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसा क्या है 220 मार्क्स का जो हमें पता ही नहीं कि पेपर तो 400 नंबर का है और हमारे आए 180 और जो 220 नहीं आए वो क्यों नहीं आ रहे, क्या ऐसा पेपर में डाल रहे हैं वो। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे करें कि अपने जो 4 सब्जेक्ट हैं, हमारे जैसे जो फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम क्या करें कि चारों सब्जेक्ट्स के पास्ट अटेम्प्ट्स के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने पिछले 4 या 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर उठाए, अब हमें क्या करना है कि उन क्वेश्चन पेपर्स में से ये देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, शायद मुझे मेरा ये कंसेप्ट नहीं क्लियर, मैंने किया तो था लेकिन पेपर में जाके मैं हर बार भूल जाता हूं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो मैं सीधा छोड़ के जाता हूं, मुझे मुश्किल लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप पेपर को सामने रखोगे तो आप उसका रीजन फाइंड आउट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पेपर है, मान लीजिए अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, अगर जैसे फाइनल का लें या आईपीसीसी का लें, अकाउंटिंग का पेपर है, अगर हमें लग रहा है कि हमने पिछले 6 अटेम्प्ट्स में से पेपर को देखकर ये फाइंड आउट किया कि हमें तो एवरेज 60 या 50 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है कि जो अच्छी तरह से आता होता है, बाकी तो हम ट्राई मारते हैं कि चलो कर आते हैं कि अटेम्प्ट में तो कम से कम काउंट हो, कोई स्टेप बाकी ही लग जाएगी, तो इसका मतलब फिर हम उन टॉपिक्स को नोट कर लें कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो हम अच्छी तरह से नहीं करके जा रहे। इसका मतलब ये कौन से टॉपिक हुए 220 मार्क्स में से, ये टॉपिक हो गए जो एग्जाम में तो आ रहे हैं लेकिन हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स भी लगा लें हम कि हम वो सारे टॉपिक्स फाइंड आउट कर लें जो या तो हम छोड़ते जा रहे हैं या हम भूल जाते हैं या हमें अच्छी तरह से नहीं आते, कोई भी रीजन है हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब हमें क्या करना है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। एक तो देखो हमें सारा कुछ लगेगा कि हम नया पढ़ रहे हैं, हमें बोर नहीं लगेगा, हम नई चीजें सीख रहे हैं, और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, अब हम क्या तैयार कर रहे हैं, 220 मार्क्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, 220 मार्क्स के लिए हमने ऑलरेडी जो पेपर दिए, हम ऑलरेडी जो तैयार करके जाते थे उसमें से हमने कितने गेन कर लिए, 180। अब हम तैयार कर रहे हैं 220 मार्क्स के लिए। अगर हम 220 मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं और जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या लगता है कि हम 20 मार्क्स भी नहीं ले सकते? आप बोलोगे 220 में से सिर्फ 20, कम से कम 100 तो लाएंगे ना। तो आप ध्यान से देखिए, अगर 220 में से आपने 100 मार्क्स गेन कर लिए तो 180 की तो आपने पहले भी अचीवमेंट कर ली थी, तो 180 प्लस इस बार अगर आपके 100 बढ़ गए तो आपका तो जो एग्रीगेट है वो तो 280 पर पहुंच गया। बात तो देखिए सिर्फ प्रिपेयर करने की है, लेकिन किस वे से हमने चीजों को फॉलो करना है या हमने कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना है या अपने माइंड को कैसे सेट करना है, ये तो हमें प्लान करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कि अगर आप इस वे से प्लान करो तो मैं श्योर हूं कि आपकी अटेम्प्ट नेक्स्ट बार में श्योर क्लियर होगी। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो चलिए अब आप एक पेपर और पेन लेकर इस सारी चीज को प्रॉपरली नोट कर लीजिए और जब भी पढ़ने बैठना है सबसे पहले ये प्लानिंग कर लेना, उस प्लानिंग को प्रॉपरली अपने माइंड में रख के फिर
फिर अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।